गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय बर्मा ज्वेलर्स सोलन, द बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के मैदानी जिले शीतलहर की चपेट में, छाया रहेगा घना कोहरा। पूर्व सरकार के दो और फैसले पलटे, शिवा प्रोजेक्ट कार्यालय बंद, पुनर्नियुक्ति रद्द। नगर निगम मंडी में सफाई व्यवस्था चरमराई, जगह जगह कूड़े के ढेर। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और कम ऊंचाई वाले जिले शीतलहर की चपेट में है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से मंगलवार सुबह जारी बुलेटिन के अनुसार मैदानी और कम ऊंचाई वाले जिलों में 23 दिसंबर तक शीतलहर का येलो अलर्ट है। वहीं सुबह और शाम को घनी धुंध छाई रहने का भी अलर्ट जारी किया गया है। धुंध से विजिबिलिटी कम रहने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रहेगी। इन क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में कमी आने से मौसम में ठंडक काफी बढ़ गई है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 24 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। नवनिर्वाचित कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार के दो और फैसले पलट दिए हैं। जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी हवाई अड्डे के सामाजिक सर्वेक्षण की एजेंसी बदलने के बाद अब शिवा प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यालय को बंद करने का फरमान दिया गया है। इसके अलावा उप पुलिस अधीक्षक पदम सिंह ठाकुर की पुनर्नियुक्ति भी रद्द कर दी गई है। शिवा प्रोजेक्ट का प्रदेश का पहला कार्यालय, भाजपा सरकार में सबसे पावरफुल कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्र सिंह के हलके धर्मपुर के सिद्धपुर में चल रहा था। इस कार्यालय में उपनिदेशक समेत 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को शिमला ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। एक्सीलेंस कार्यालय के अधीन कुंभ केंद्र भी आता था। कार्यालय की अधोसंरचना विकसित करने के लिए करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बीते 27 अगस्त को इस कार्यालय ने काम करना शुरू किया था। वहीं भाजपा सरकार के कार्यकाल में उप पुलिस अधीक्षक पदम सिंह ठाकुर को दी गई पुनर्नियुक्ति को भी रद्द कर दिया गया है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर। नगर निगम मंडी के वार्ड नंबर 1 खलियार में सफाई व्यवस्था कुछ दिनों से चरमरा गई है। सफाई कर्मचारियों द्वारा समय से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, जिससे वहां के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारी घरों से कूड़ा इकट्ठा कर एक जगह ढेर लगाकर चले जाते हैं और वहां खाने की वस्तुएं देखकर आवारा पशु व कुत्ते पहुंच जाते हैं। ऐसे में आवारा पशुओं द्वारा लोगों को मारने व कुत्तों द्वारा काटने का भय बना रहता है। खलियार वार्ड नंबर 1 की पार्षद अलकनंदा हांडा ने बताया, कई दिनों से लोग उनसे शिकायत कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी कूड़े का ढेर लगाकर चले जाते हैं और समय से कूड़ा नहीं उठाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में नगर निगम की मेयर दीपाली जसवाल और आयुक्त एचएस राणा को अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के आयुक्त द्वारा समय पर कूड़ा न उठाने के लिए सफाई ठेकेदार को पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने के बाद अब सफाई कर्मचारियों की संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए नगर निगम के सामान्य हाउस में प्रस्ताव रखा गया है। मैं अलकनंदा हांडा वार्ड नंबर 1 की पार्षद हूं। जैसा कि अभी अभी मुझे विदित हुआ कि वार्ड नंबर 1 खलियार में पार्क के पास कूड़े का ढेर लगा हुआ था। वहां गाय तथा कुत्ते आकर जो थे वो कूड़े को और भी ज्यादा फैला रहे थे। कुछ दिनों पहले भी मुझे ये सूचना जो थी वो लोगों के द्वारा मिली थी कि हमारा गार्बेज कलेक्ट करने वाले जो लड़के हैं वो कूड़े को वहाँ पर एकत्रित कर देते हैं। एक्चुअली ये समस्या तो हमारे पास है, परंतु जो हमारे पास ये गार्बेज कलेक्ट करने वाले लड़के हैं और सफाई करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, ये जब हमारी नगर परिषद थी उस वक्त के लोग जो हैं वही सफाई कर रहे हैं। मैंने कई बार कई मर्तबा हाउस में ये मामला उठाया कि चूंकि अब ये निगम बन चुका है,
और जो ये एरिया है इसमें हमने बिजनी, छिपनू, हमग्राम, खराड़ूबाग, सनाल, काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जैसे खोड़ी गांव है, त्रियांडी, ये इनको सबको हमें कैटर करना पड़ता है। तो उसके मद्देनज़र हमें अपनी लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी और ठेकेदार का ठेका भी बढ़ाना पड़ेगा। और इस मामला को कई मर्तबा जो है हाउस में मेरे द्वारा मीटिंग में उठाया जा चुका है, परंतु अभी तक निगम के द्वारा जो है वो ठेकेदार का जो ठेका है वो नहीं बढ़ाया गया है, जिससे ये समस्या जो है ये पैदा हो रही है। दूसरी बात ये है कि नगर निगम तो बन गया है परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी हमारे पास नहीं है। कूड़े वाले लोग आते हैं, कूड़ा एक जगह कलेक्ट करते हैं, फिर गाड़ी आती है और कूड़े को उठा के चली जाती है। अब इन्होंने ये कलेक्शन सेंटर के तौर पर वहाँ पर ये रख देते हैं, तो कई मरतबा ठेकेदार को भी कहा कि वहाँ पर ज़्यादा देर मत रखा करिए, थोड़ी देर रखा उसी वक्त उठा लिया करें, क्योंकि ये जो समस्या है बंदरों की या आवारा कुत्तों की, ये केवल मंडी शहर में ही नहीं अपितु तो हिमाचल प्रदेश क्या पूरे देश में इसी तरह से है, मुँह बाएँ खड़ी है। तो इस समस्या के समाधान के हेतु सबसे पहले तो हमें सरकार को लिखना पड़ेगा कि बंदरों की समस्या से, जो आवारा बैल और कुत्ते हैं उनकी समस्या से किस तरह से निजात पाई जाए। पिछले दिनों भी जब ये समस्या कूड़े की आई थी तो हमारे कमिश्नर साहब ने जो था वो ठेकेदार का जो पेमेंट थी वो रोक ली थी, क्योंकि सफाई जो थी हमारी कुछ पटड़ी पर नहीं आ रही थी। तो इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से, मेयर मैडम साहब से। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स। मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।